अपने स्थान को ग्रहण करें और भागवत जी के आज सप्तम दिवस की पावन मेला में प्रवेश करने हेतु अपने मन को बिल्कुल शांत करते हुए अपने कानों का संबंध सीधा व्यास जी से जोड़ते हुए, क्योंकि कहते हैं जिसने सप्तम दिवस की कथा का रसपान किया भूलवश या किसी समय बस आप कथा को रसपान नहीं कर पाए, तो सप्तम दिवस के कथा का रसपान करने से सातों दिन की कथा श्रवण करने का ही फल प्राप्त होता है। आइए हम सब व्यास जी महाराज के सानिध्य में चलें और उनसे निवेदन कि आज सप्तम दिवस की पावन कथा का सब भक्तों के लिए रसपान कराइए। पूज्य श्री व्यास जी महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, कृपा के बिहारी लाल की जय।
संगियन में राजी बड़ी है, संगियन में राजी बड़ी है, जो नदिया गोविंदा राम सुंदर
परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्विति विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत जन परम वंदनीय विद्वत जन भगवत चरण कमलानुरागी समस्त बंधुओं एवं प्रभु की रसमय कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त संगीताचार्यगण रसपान करने हेतु उपस्थित आप सभी श्रोत्र वृंदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत जय श्री कृष्ण। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता को वंदन करते हुए सुंदर भाव आया है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवा और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहनशाह। मन में जिसके कोई कामना नहीं है मन में जिसके कोई इच्छा नहीं है आज के समय में शहंशाह वो है सज्जन। त्याग का सामर्थ्य ही व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बनाता है। अपने जीवन में जिसने त्याग नहीं किया वो कभी संपत्ति को पा नहीं सकता। समाज में बढ़ने वाले व्यक्ति के शत्रु होंगे। ध्यान से सुनना। समाज में जिनका नाम होगा बदनामी उसकी होगी। व्यक्ति चाहे कितना ही लोगों के लिए बढ़िया कर ले माँ बाप के सिवा कोई उस व्यक्ति को संभालने वाला नहीं है। जितने रिश्तेदार आपके अपने बताते हैं वो तभी तक आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास में पैसे हैं। जिस दिन रुपया खत्म उस दिन रिश्ता खत्म।
मतलब के रिश्ते को यदि कोई निभाता है तो वो माँ बाप को छोड़कर के बाकी सब निभाते हैं महाराज। मेरे प्रभु का विवाह हुआ कल, माता रुक्मणी और अब तो लाइन लग गई है, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नचीति, भद्रा, लक्षणा आदि आठ पटरानियां कृष्ण की। भौमासुर के कैद में 16,100 राजकुमारियों को जब से कृष्ण ने छुड़ाया नारद जी के कहने पर, उस दिन से वो आठ तो थी, ये 16,100 और जुड़ गई, अब कितनी है? बोले 16,108। मेरे प्रभु का विवाह, युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ करना चाहते हैं परंतु कृष्ण ने कहा कि कर नहीं सकते। क्यों? बोले तुमने अभी जरासंध को हराया नहीं है, पहले जरासंध को हराओ फिर यज्ञ करोगे महाराज, नहीं तो माफ करना। और हराना भी तुम पांडवों में से किसी एक को है। श्री कृष्ण जानते हैं कि जरासंध बहुत वीर है, बहुत वीर, तो अर्जुन को, भीमसेन को साथ में लेकर के ब्राह्मण के वेश में जरासंध के द्वार पहुंचे कन्हैया। और जरासंध के द्वार पहुंच करके ब्राह्मण का वेश धारण किया और जिस दिन से जरासंध ने श्री कृष्ण को हराया है, देखो चाहे ब्राह्मणों को यज्ञ पर ही बैठा के सही, मगर हराया तो है महाराज। उस दिन से जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया है और श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण के वेश में हैं। जरासंध ने प्रणाम किया, प्रभु मांगिए क्या चाहिए आपको। श्री कृष्ण तो ब्राह्मण के रूप में है, उन्होंने कहा कि कुछ चाहिए नहीं मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, सब दिया हुआ है और जो हम मांगेंगे वो कदाचित तुम दे भी नहीं पाओगे। जरासंध ने कहा महाराज ये तो संभव ही नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो संकल्प करो। बोले नहीं, हम कह रहे हैं ना जुबान की भी कोई कीमत होती है, प्रभु मांगिए क्या चाहिए आपको। बोले देखो हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करना पड़ेगा, जरासंध ने कहा ये क्या मांग रहे हैं आप। अरे एक तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो मैंने उस छलिया कृष्ण को हराया है, तो श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी ना कि इसने मुझे हराया है, कि मैं ब्राह्मणों के हित के लिए रण छोड़ के भागा था, 17 बार भगवान से हारा है वो याद नहीं है इसको, 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके मेरे प्रभु ने जो रण छोड़ा उसे अपनी जीत समझता है जरासंध।
सज्जनों, 17 बार हम दिन में झूठ बोलते हैं वो याद नहीं रखते, एक बार सच बोलते हैं पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने सच कहा। दिन में 17 गलत काम करेंगे तो कभी किसी से कहेंगे नहीं कि मैंने गलत काम किया, परंतु अच्छा काम करेंगे तो जाकर के दुनिया को बताएंगे। लोगों के सामने बड़ा संस्कारी बनते हो, वस्तुतः जिस रूप में हो उस रूप को दुनिया को दिखाओ, तब जाकर के माने। जिंदगी को दिखाओ और बंदगी को छुपाओ। तुम लोगों से अपशब्द कहते हो, झूठ बोलते हो, तो ये बात दुनिया से कहो, लेकिन तुम मेरे प्रभु का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, ये बात कहने की दरकार नहीं है। जिसका करते हो वो देख रहा है। और रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन लाई, कि जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र भगवान श्री राम की कथा को, श्री कृष्ण की कथा को सुनकर के जिसने ये कह दिया बस 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 बहुत हो गई कथा, बहुत ले लिया नाम, माफ करो मुझे, अब तो आपका कुंडी ले सका महाराज, काम पे जाना है, तो तुमने श्री राम को समझा नहीं, कृष्ण को जाना नहीं है। वो त्रिकालावादित सत्य, वो अपरिवर्तनीय सत्य, वो परात्पर ब्रह्म नारायण, तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आस्था रखते हैं। पल पल में जो नाम जपते हैं, जरासंध ने देखा, ये क्या मानती है आप? आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कृष्ण को हराया है, तो मेरे प्रभु को हंसी आ गई और जरासंध ने पकड़ लिया महाराज। अरे ये तो समझ गए हम, अब बाहर आ जाओ तुम अपने रूप से, छलिया हो, तुम्हारा तो काम ही छलना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु अपने रूप में आए, पकड़े गए, अब तो अर्जुन भी आए, भीमसेन भी आ गए अपने रूप में। चलो तुमने अब कह ही दिया है तो हम लड़ेंगे जरूर, मगर तुमसे क्या लड़े, तुमको तो मैंने हराया है। जरासंध कह रहा है कन्हैया से, अर्जुन की ओर नजर गई तो अर्जुन की ओर देख करके जरासंध कहता है, इसके शरीर में दम नहीं है ज्यादा, दुबले पतले थोड़े, मजा नहीं आएगा। भीमसेन की ओर नजर गई तो लगा हाँ ये है अपने तो भैया, चलो आओ आ जाना, कल युद्ध करेंगे हम भी। युद्ध की शुरुआत में तो जरासंध थोड़ा धीरे धीरे युद्ध कर रहा था भीमसेन से, भीमसेन को लगा कि कृष्ण मेरे साथ है तो मैं तो मार ही दूंगा, परंतु महाराज जरासंध ने भीमसेन की नस नस ढीली कर दी, इतनी पिटाई करी है, इतना मारा है, भीमसेन की तो हालत हो गई खराब। रात्रि को कृष्ण के पास में भीम दादा आए, कहा प्रभु हमको यहां से ले चलो, जैसे खुद रण छोड़ के भागे थे ना, वैसे मुझे भी यहां से भगा के ले चलो, मैं तो नहीं लड़ सकता इससे, अब भैया हड्डी पसली तोड़ रहा है मेरी, आपा तो कोनी कर सका महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे।
श्री कृष्ण ने कहा, दादा आप चिंता काय को करते हो, कल मेरी ओर देखना, मैं ध्यान से आपको बताऊंगा, नजर मेरी ओर रखना। अब सज्जनों, भीमसेन कोई अर्जुन के समान एकाग्रचित्त नहीं होते महाराज। अर्जुन का नंबर वीरों में बहुत बाद में आता है, परंतु उसकी सबसे खास बात यही है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है। यदि वृक्ष की डाली के ऊपर बैठे हुए चिड़िया के नेत्रों पर निशाना लगाने को कहा गया है, तो अन्य लोगों को तो पेड़ दिखेगा, उसके पीछे बादल दिखेंगे, उसके पत्ते दिखेंगे, चिड़िया दिखेगी, परंतु अर्जुन से यदि ये कहा गया कि नेत्रों पर निशाना लगाना है, तो उसे केवल उस चिड़िया के नेत्र दिखेंगे महाराज। एकाग्रता होनी चाहिए जीवन में। भीम दादा से कहा, कल आप मेरी ओर देखिएगा दादा। और महाराज कन्हैया ने एक तिनका लिया, इस तिनके को लेकर के बीच से तोड़ा और लेकर के इस दो तिनके के भाग को ऐसे फेंक दिया। और भीमसेन ने क्या देखा कि तिनके को बीच से तोड़ा है और ऐसे ही फेंक दिया, ये नहीं देखा कि किस तरह से कन्हैया ने फेंकने को कहा था। और उसने जरासंध के टुकड़े किए, ऐसे फेंका, जरासंध फिरा के जुड़ गया, दो गुना ज्यादा कुटाई आ जाएगी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, खूब पिटाई। रात को कमरे में गए कन्हैया के पास भीम दादा, क्यों मार ही खिलवाना था तो पहले ही बोल देते, भैया हम ऐसे चले जाते, इतना ये तिनका तोड़ करके दिखाने की क्या दरकार थी, अब होगी सो देखी जाएगी। भैया हम तो लड़ नहीं सकते, हम तो चले, तुम आते रहना। कन्हैया ने कहा, दादा आप मेरी ओर देखते तो हो, पर ध्यान से नहीं देखते। सज्जनों, कन्हैया चाहते तो अपने मुखारविंद से बता सकते थे कि आपको ऐसे ऐसे मारना है, परंतु उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? मानो कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि तू जो आए एक पग, मैं आऊं पग साठ। तू जो करड़ों काट सी, तो मैं लोहे की ला। मानो श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मेरा काम है मार्ग को बताना, दिशा दिखाना, चलना तो उस पे तुमको ही पड़ेगा। जब मैं ही सब कुछ बता दूंगा मेरे भक्तों को, तो मेरे भगत करेंगे क्या? जिस प्रकार से मेरा काम है उनको अपने पास लाना, तो उनका भी काम होना चाहिए मेरे पास आने का। और अगले दिन जैसे कन्हैया ने बताया, भीमसेन ने वैसा ही किया और जरासंध को हराया। देखो, छल से हराया है, बेमानी से, ईमानदारी से तो नहीं हराया। कन्हैया ने बताया, फिर जाके हराया। तो इसी जरासंध को जीतने के बाद में, इसी जरासंध के मुकुट को जब परीक्षित ने धारण किया था, तो कलयुग आ गया था, क्योंकि छल से जीता। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, यज्ञ किया गया है। उस यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने काम को बखूबी से निभाया। परोस रही है पत्तल द्रौपदी, कर्ण और दुर्योधन को भंडार दिया गया, भीम दादा सबको भोजन करा रहे हैं,
और श्री कृष्ण ने जूते चप्पल की जिम्मेवारी अपने लिए माना। मानो मैं सृष्टि का मालिक ही क्यों ना सही, परंतु काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और इसी यज्ञ के बीच में द्रौपदी ने मानो कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। और यहीं से सज्जनों शुरुआत हुई उस विशाल युद्ध की, महाभारत छिड़ गया इसी समय। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अभी तक तो जिस कथा को मैं तुम्हें सुना रहा था, चलो वो सब तो थी प्यारी प्यारी, परंतु अब जिस कथा में मैं प्रवेश कर रहा हूं बात ही कुछ और है। बात ही निराली है महाराज, उस व्यक्ति की जिसकी बात मैं अभी तुमको बताऊंगा। ध्यान से सुनना, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्री कृष्ण के एक सखा है, नाम नहीं लिया। कौन है वो सखा? बोले ये तो नहीं बताया, मगर ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा यानी ब्राह्मण तो है, परंतु ज्ञानियों में भी अग्रगण्य जो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्ञानियों में अग्रगण्य, इनका स्वभाव कैसा है? बोले इंद्रियों में विरक्तता है, इनकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अहितुक्य प्रतिहता, भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले अहितुक, बिना हेतु के, किसी कारण के बिना। और ये शख्स वैसी भक्ति करता है, इस व्यक्ति में वो गुण बताए गए। बोले भीतर से कैसा है? तो प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, अपने आत्मा में शांत रहने वाले, अपनी चित्त वृत्ति को गोविंद से दूर न करने वाले। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को स्वमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने वश में किया, वो
व्यक्ति ये बात सज्जनों बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य ये बात है कि सूर्य नारायण की रोशनी उस व्यक्ति के घर में कण कण से प्रवेश करती है क्योंकि क्षति नहीं है महाराज। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पड़ोसी के घर का पानी भी उस व्यक्ति के घर से होकर के बाहर की ओर जाता है। कक्षा एक का छात्र भी उस व्यक्ति की हड्डियों को गिन सकता है, बलवान नहीं है ज्यादा वो। भोजन करने को अन्न का दाना नहीं, उस अन्न को रखने के लिए एक साबुत बर्तन नहीं, शरीर पे धारण करने के लिए वस्त्र नहीं महाराज, ओढ़ने को चद्दर नहीं, सोने को गिद्दा नहीं। परंतु उस व्यक्ति ने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं, मांगा नहीं, मानो मांगन मरण समान। मांगना तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा, प्रभु मांग नहीं सकता। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि मेरे प्रभु मेरे दीनानाथ मैंने तुझसे कुछ मांगने की गलती करी तो तुम मुझे कुछ देने की गलती मत करना। विनती है मेरी भक्ति में कमजोरी आ जाएगी प्रभु, भक्ति में मांगा नहीं जाता ना। लोग कहते हैं व्यास जी नाम तो नहीं आता उस व्यक्ति का, सुखदेव स्वामी ने नहीं लिया नाम भी नहीं आता है उसका। बोला किसने कह दिया महाराज, भागवत जी में आया है श्रीदाम चरिते कहते हैं व्यक्ति का नाम है श्रीदाम। श्रीदाम अर्थ इसका मानो ये समझो जिसके दामन को श्री यानी लक्ष्मी ने थाम रखा हो। सुदामा यदि कहते हो तो ये समझ लो कि सुंदरेश्वर भगवान श्री नारायण ने जिसके दामन को पकड़ रखा है। सुदामा सुंदर है दामन जिसका, वो सुदामा। परंतु नाम तो श्रीदामा है, सुदामा तो हम भगत भाव में बोलते हैं। द्वारका जाओगे तो कोई सुदामा नहीं, श्रीदाम और कृष्ण बोलते हैं। ब्राह्मण है, 5 दिन है गए घर में भोजन ही नहीं बना। चलो श्रीदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला, उन्हें तो आदत है गई है अब, परंतु घर में छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं। मानो सुदामा जी को कोई चिंता नहीं है, उनके मन में किसी से कुछ मांगने की कोई कामना नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं, ठाकुर ने दिया ही इतना है, मुझे मांगना नहीं किसी से। परंतु मातृ हृदय तो कोमल होता है, अपने आप को जैसे तैसे संभाला सुशीला ने। वो सुशीला जिसका स्वभाव सुदामा जी के तरह जितेंद्रिय वाला नहीं है, प्रशांत आत्मा नहीं है उसकी, परंतु सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पतिव्रता पतिम प्राह
लायता वदने न सा दरिद्रासीद माना सा वेपमानाभिगम बोले स्वभाव कैसा पतिव्रता तो है पतिव्रता पतिम्प्रा परंतु दरिद्रा सीध माना सा थोड़ी सी दरिद्रता झलकती है। सुशीला के चरित्र में जरा सा एक भाव कुछ तो दिया होता प्रभु ज्यादा तो मुझे भी नहीं चाहिए मगर कुछ तो दिया होता। 5 दिन रह गए मेरे बच्चे भूखे हैं नाथ और मेरे पतिदेव से जाकर के कहूंगी तो वो केवल सुनेंगे और यही कहेंगे देवी जब कोई पूजा पाठ कोई हमते करवावे आएगो तो हम चले जाएंगे कुछ कमाने के लिए कोई नहीं आता तो जैसा वो रखेगा हम वैसा ही रहेंगे। भजन कर रहे थे श्री दामा जी रहा नहीं गया सुशीला से हाथ जोड़ करके खड़ी है श्रीदामा जी के पीछे रो रही है। सुदामा जी भजन में मस्त थे रोते 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 उस सुशीला की जब वो आवाजें आने लगी रोने की तो अरे देवी तुम रो रही हो क्या बात है बताओ। बोले बात तो यही है कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् यः पतिम् ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सखा सात्वतर्षभ। मुझे इस बात की खबर कहीं से पड़ी नाथ की द्वारका के जो महाराज है ना वो आपके मित्र है। वो आपके बचपन की सखा रह चुके हैं। हाँ देवी वो तो ठीक है लेकिन तुम रो क्यों रही हो बात क्या है। बोले मुझसे मत पूछिए आपको मालूम नहीं है वो छोटे छोटे आपके बेचारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं उनके शरीर की हालत देख करके मुझे रहा नहीं जाता। श्रीदामा जी कुछ करिए आप पिता हैं आप उनके दायित्व बनता है आपका चाहे बालक किसी भी परिस्थिति में हो किसी भी परिस्थिति में हो दायित्व बनता है एक पिता का कि वो बालक को सही मार्ग पे लाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरु का दायित्व बनता है कि वो शिष्य को सही मार्ग पे लाए। शुक्राचार्य जी महाराज काम तो गलत कर रहे थे परंतु राजा बलि को उन्होंने अपने तरफ से अपने महाराज हिसाब से अपनी सोच से कितना प्रयास किया कि राजन मत जाओ लूट लेंगे वो अपनी एक आग चली भी गई तो भी गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं मैं अपने शिष्य को बचाऊंगा। भले ही गलत कर रहे थे परंतु देखो बचाया कब तक विराट बन गए मेरे प्रभु तब भी रोका अभी भी मना कर दो महाराज दायित्व है जाइए
देख के आइए अपने बच्चों को, केवल जलपान करके जी रहे हैं बेचारे। मुझे आकर के कहते माता मुख भूख लगी है, कछु खाएवे को मिलेगो। मैं क्या कहूं उनसे कि बेटा घर में दाना नहीं है खाने का, कहां से दूं? उस पात्र में जल को रखती हूं और लेकर के घुमाती रहती हूं घंटों तक। बच्चों को लगता मैया कुछ पका रही है, तो अब मुझे लगे कि अब कुछ भोजन की प्राप्ति है जाएगी। और बेचारे बच्चे इस इंतजार में कि भोजन अब बनेगा। अब हमारे सामने माता अन्नपूर्णा आएगी, सो जाते बेचारे बच्चे, क्या करें। सुशीला ने कहा, देखिए मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं बस चाहती हूं कि आप अपने बचपन के मित्र के पास में जाइए और जाकर के उनका हाल समाचार पूछिएगा, वो आपको कुछ दे देंगे, ले आइएगा यहां। देवी रुक जाओ, मेरे खामोश रहने का ये अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। मैं मानता हूं मेरे ठाकुर ने मुझे उन लोगों के जितना तो नहीं दिया है, परंतु आज भी ये ब्राह्मण श्रीदामा अपने मित्र के यहां कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकता। मित्र किसी के सामने मैं जाऊं मांगने के लिए, ब्राह्मणता मांगने से नंबर दो पर आती है सज्जनों। ब्राह्मण को मांगना नहीं, बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ कराते हैं बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण, बड़ी बड़ी महाराज बातें करते हैं, लेकिन हम तो इतने रुपए लेंगे तभी हम आकर के कथा करेंगे, करानो है तो कराओ, नहीं तो प्रेम से बोलो। वो ब्राह्मण जो श्रीमद् भागवत महापुराण को कराने का मोल लगाए वो ब्राह्मण नहीं है महाराज। जिसने मेरे प्रभु की कथा को कहने के लिए ये कहा कि हम तो इतने लाख में ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, बोली लगा रहे हो तुम, कृष्ण की मोल लगाते। प्रेम से बोलो राजा राजा, एक ब्राह्मण का कर्म है सत्कर्म करना, सत्कर्म करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, मांगना नहीं। जन्म तुम्हारा ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, मगर तुम सत्कर्म करते करवाते, यज्ञ करते करवाते हो, दान लेते और देते हो, तो तुम ब्राह्मण हो। और जन्म तुम्हारा ब्राह्मण कुल में हुआ है मगर कर्म तुम्हारे ब्राह्मणत्व वाले नहीं है, माफ करना तुम ब्राह्मण तो नहीं रहे फिर, चाहे तुम्हारा जन्म कितने बड़े ब्राह्मण के खानदान में क्यों ना हुआ हमारा, चाहे तुम कितने बड़े कुल के पुत्र क्यों ना सही। मैं कह रहा था व्यक्ति का परिचय उसके पिता के नाम से नहीं होता, वो जाना जरूर जाता है मगर परिचय उस व्यक्ति का न तो उसके पिता के नाम से, न तो उसके नाम से, न उसके गुरु के नाम से, न उसकी जाति से, न उसके कपड़ों से, न उसके कमाए हुए धन से, उनका परिचय तो केवल उसके कर्म से और उसके स्वभाव से होता है महाराज, केवल कर्म और स्वभाव। स्वभाव यदि आपके अच्छे हैं तो तुम्हारे चरण पूजे जाएंगे,
कर्म यदि तुम्हारे शोभनीय है तो सम्मान तुम्हारा किया जाएगा। सम्मान खोजने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्राह्मण हो तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कथा के लिए बोली मत लगाओ। पूरे तालाब में हजारों हजार मछलियां रहती हैं। जरूरी नहीं कि सभी गंदी हो और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। महाराज, बड़ा दुर्भाग्य का विषय मुझे तब लगता है जब लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण तो लूटते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे कुछ खा पी के नहीं आए महाराज, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। एक तो ऐसी आज के बाद हम आपको परेशान करेंगे, है नहीं है? प्रेम से बोलो। उन लोगों को केवल वही लोग दिखते हैं जिनके नाम के पीछे राम लगा है, आगे या पीछे मारा जहां भी। लेकिन केवल नाम वैसा होने से व्यक्ति का काम तो वैसा नहीं होगा ना। लोग कहते हैं कि इनका काम तो लूटना है। तो महाराज, मैं आपके यहां कथा करने को आ रहा हूं और मैं इतने लाख रुपए लूंगा, तो जो मांग रहा है वो तो गलती कर रहा है, जो दे रहा है वो गलती नहीं कर रहा। दोष केवल उनका ही नहीं जो मांगते हैं, दोष उनका भी है जो देते हैं। तुम दोगे तो वो मांगेंगे ना। तुम मना कर दो महाराज, फिर देखो कौन मांगता है। हम संतों की तो कदर करते हैं, बड़े से बड़े वक्ता की कदर तो करते हैं, मगर उस वक्ता के भाव की कदर नहीं करते। संतों के भाव की कदर नहीं करते। संत के लिए रहने की अति उत्तम व्यवस्था, संत की कदर हो रही है यहां, मगर संत के भाव क्या बताते? बोलते गऊ की रक्षा करो, वो कोई नहीं करता। संतों के भाव क्या होते हैं? बोलते ब्राह्मणों का सम्मान करो, वो किसी से नहीं होता। संत की कदर, संत के भाव की कोई कदर नहीं, तो फिर मेरे प्रभु तो भाव से ही रिझते हैं ना। हाँ, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बनकर के रहो। सौभाग्य है लोगों का जो ब्राह्मण बनते हैं। महाराज, मेरे प्रभु के मुख में विवास है उनका, बोली लगाते हो, लज्जा नहीं आती। जरा सी दिमाग में ये नहीं आता कि हम किसकी कथा को कह रहे हैं। जिसने जीवन दिया है उसका मोल लगाते महाराज। हाँ, जीविका का साधन बना दिया इसके बगैर। हाँ, लूटना, केवल मांगना महाराज, केवल मांगना। लोगों के बीच में रह करके नजर ऊंची करनी है, जितनी कर लो। ऊपर जाओगे ना तो नजर नहीं मिला पाओगे उस ठाकुर से। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं महाराज, कौन पूछेगा। धिक्कार है उन लोगों पर जो लोग मेरे प्रभु की कथा को कराने का मोल लगाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो, कोई हो। और धिक्कार है उन लोगों पर भी महाराज जो उन्हें उस कथा को कराने का मोल देते हैं। तुम भी पाप के भागीदार उतने ही बन रहे हो, चिंता मत करो महाराज। कलयुग में अदालत में झूठी गवाही, झूठे जज, झूठे वकील के बल पर व्यक्ति कटघरे में रह करके बच सकता है, मगर ऊपर जब उस अदालत में जाओगे ना तो कोई झूठी गवाही काम नहीं आएगी।
क्योंकि वहां पे वकील भी वही रहेगा और जज भी वही रहेगा। प्रेम से बोलो राज राज। जितनों कर लो है कर लो महाराज, श्रीदामा जी ने तो देवी मैं कुछ पाने के लिए कुछ लेने के लिए अपने मित्र के यहां ना 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 संभवे नहीं है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। पता है उस उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो तुम मुझे जब कहोगी मैं जाऊंगा, मगर उससे कुछ मांगने को कहोगी ना घर से बाहर नहीं निकलूंगा मैं। उसने जितना दिया है मैं खुश हूं उसमें। अरे लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी ये कहता है और ले आओ और ले आओ और ले आओ। करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी महाराज चैन की नींद नहीं सो पा रहा है आज। और मैंने 15,000 रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति को सुख की नींद में सोते देखा है महाराज, कौन कहे। मन में जब तक तुम्हारे असंतोष वाला असंतुष्ट जब तक तुम हो तब तक तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो अजितेंद्रिय। दरिद्र व्यक्ति असंतुष्ट जो है कदाचित अपने कमाए हुए धन से सुखी नहीं रहेगा, चाहे वो करोड़ों ही कमाए। और जब आवही संतोष धन सब धन धूरी समा। एक बार तुम्हारे जीवन में संतोष रूपी धन आ गया तो बाकी जितने धन होंगे वो सब तुम्हारे लिए धूरी के समान होंगे महाराज। 15,000 रुपए महीने कमाते हो, 200 रुपया जो अंत में बच रहा है वो तो तुम्हारे लिए धूरी के समान है, क्या काम उसका। और मन में यदि ये भाव है कि और ले आओ, काम नहीं चलता है और ले आओ, तो फिर तुम सुखी कभी नहीं रहोगे। देवी हमारे पास कुछ है नहीं, मित्र के आ जाते हैं कुछ लेके जाते हैं, कुछ तो दो। 4 घरों से 4 तरह के चावल 4 जगह से फटी हुई पोटली में बांध करके श्रीदामा जी को पकड़ाया। जाइए आप, प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीदामा जी जाने लग गए मार्ग में संतों के साथ में। आपको पता है संतों की आदत होती है कि सत्संग में लगते हैं तो भूल जाते हैं महाराज मुझे जाना कहाँ है, क्यों जाना है। और देखो सुशीला भी कितनी चालू, 4 जगह से मांग करके 4 तरह के चावल 4 जगह से फटी हुई पोटली में बांधा। क्यों बोले, अगर श्री कृष्ण ने इनसे पूछा कि श्रीदामा जी आप कैसे हैं तो ये तो यही कहेंगे कि मोते सुखी व्यक्ति संसार में दूजो कोई है ही ना। परंतु द्वारकाधीश जब श्रीदामा जी की उस पोटली को देखेगा तो उसे पता चलेगी कि इसके घर में तो एक तरह के चावल भी नहीं है। चावल तो छोड़ो, पोटली भी कदाचित 4 जगह से फटी हुई है। ये नहीं बोलेंगे वो तो समझ जाएंगे। और मार्ग में जा रहे थे मेरे प्रभु केवट बनकर के आए, नदी पार लगाई, श्रीदामा जी का दर्शन किया श्री कृष्ण ने। हाँ, केवट बने हुए और मानो जब पार लगा दी सुदामा जी को तो श्री कृष्ण ने कहा कि पूरी दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। नदी पार लगाने के बाद किसी से सुदामा जी ने पूछा कि क्यों जे द्वारकापुरी कितनी दूर है। बोले आपको तो 15 दिन और लग जाएंगे महाराज, क्योंकि 15-20 दिन तो लग ही गए थे। तो श्रीदामा जी ने देखा कि अब तो भैया हमारे
जो चरण है वो हार गए, अब आगे ना जा सके हम। हाथ की तकिया लगाई और भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, जिंदगी अब उदास लगती है। हे कन्हैया, प्रेम से बोलो राधे राधे, मैं ना आ सकूं अब, हमारे पैर हार गए, चरण जो है अब साथ नहीं देता हमारा, थक गया हूं मैं। हाथ की तकिया लगाई सो गए और मन ही मन कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
करी बड़ी दूर न Oh,
करे, मिच मिच ताली बजाओ। ये प्रभु बड़ी देर हो गई, क्या करे, आते आते हमारे शरण हार गए। कहते हैं बड़ी देर भाई, 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 बड़ी देर भाई। मेरे श्याम की ही द्वारिका है ये, बिल्कुल आपके श्री कृष्ण की द्वारिका है। पहुंचे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े, द्वारपालों ने सत्कार किया, प्रणाम किया। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने बेइज्जती करी मेरे कन्हैया की, झूठ है सर, मिथ्या। हम कलयुग के लोग अपने काम करने वाले ड्राइवर तक को जब अनुशासन सिखाते हैं कि यदि कोई मेहमान हमारी गाड़ी में बैठने आए तो तुम उसका आदर सत्कार करना, अंग्रेजी में बात करना, अनुशासन में रहना, ये हम कलयुगी लोगों के लक्षण है, तो जरा सोचो जो मेरे भगवान श्री नारायण के द्वारपाल होंगे, क्या उनकी परीक्षा नहीं ली होगी मेरे कन्हैया ने। जो नारायण
गोपियों की परीक्षा लेता है, प्रत्येक भक्तों की परीक्षा लेता है, उसके द्वारपाल किसी ब्राह्मण की बेइज्जती कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, के विप्र प्रसादा जित जितो हम, विप्र प्रसादा मम रावणा। भगवान श्री कृष्ण का तो ये कहना है कि आज जो कुछ भी मैं हूं मेरे उन प्रिय ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं मैं, और उनके द्वारपाल ब्राह्मणों की बेइज्जती करे गलत झूठ है। जय विजय ने प्रणाम किया तो श्री दामा जी ने कहा देखो हम बड़ी दूर से आए हैं और तुम्हारे जो वो महाराज है वो मेरे बचपन के सखा रह चुके हैं, केवल उनका दर्शन करने आए हैं, ये मत सोचना कि गरीब दिखता हूँ, कदाचित कुछ है नहीं, वस्त्र फटे हैं तो कुछ मांगने आया होऊंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अपने महाराज का दर्शन करा दो, मुझे बस दर्शन करने आया हूँ। उनके पास समय नहीं है तो वो खिड़की से मुझे देख लेंगे, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा, मगर एक बार दर्शन तो कराओ, बड़ी दूर से आया हूं, चला जाऊंगा, कुछ मांगने नहीं आया आपके महाराज से, मेरा नाम बता देना श्री धामा, समझ जाएंगे वो। हाँ जय विजय ने कहा महाराज आप धीरज रखिए, शांत रहिए, बैठिए, आप क्या बोलते? मेरे प्रभु से मिलने के लिए ब्राह्मणों को किसी समय के इंतजार की आवश्यकता नहीं है, कभी भी जाओ मिलने के लिए, मेरे प्रभु तैयार हैं आप लोगों से मिलने के लिए। आप बात करते हो समय की, सुनिए हम तो उनके सेवक हैं, हमें तो जरा उनकी सेहत का ख्याल रखना होता है, तो हम जरा उनका समाचार लेकर के आते हैं, आपके बारे में बताएंगे, जैसे उनकी आज्ञा होगी हम वही पालन करेंगे, महाराज हम तो दास है, महाराज को जो आज्ञा दे। अच्छा ठीक है, जैसे आप सुदामा जी को बिछाया, आदर सत्कार से गए, मेरे प्रभु भोग पा रहे थे, भोग पाते पाते जय विजय जय श्री कृष्णा। महाराज महाराज की जय हो। आओ 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 जय विजय पधारो, क्या बात है? बोले प्रभु आप भोग पा रहे हैं? बोले नहीं बताओ तुम क्या बात, मैं सुन रहा हूं, बोलो क्या बात। महाराज जब भोग पाते हैं तो भोग, जब भोजन करते हो तो बीच में दास बोलते नहीं, पहले भोजन हो जाए या महाराज से पूछ लेते हैं। कन्हैया ने कहा बताओ क्या बात है, सरलता। बोले क्या बताऊं महाराज, शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही गामा, के धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपासन की नहीं क्षामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहो चुकी सो वसुधा भिरामा, के पूछत दीन दयाल कुधा
बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या बोलूं, बोले समाचार क्या है जय विजय, और तुम्हारे चेहरे की ये कुछ मुझे आभा अच्छी नहीं लग रही है। क्या बात है, किसे मिलके आए हो? कोई विशेष व्यक्ति आया है? कोई तकलीफ में है? बोले नहीं नहीं प्रभु, कोई बात ऐसी नहीं, लेकिन मैं क्या बताऊं, द्वार पे आपके एक ब्राह्मण खड़ा है। बड़ी आश्चर्य की बात मुझे लग रही है। बोले शरीर पे ज्यादा वस्त्र नहीं है, फटे फुटे वस्त्र, कक्षा एक का छात्र भी जिसकी हड्डियों को गिन सकता है, नीचे से ऊपर तक यदि देखो तो कोई चमक नहीं है वैसी, परंतु मस्तिष्क उनका बोल रहा है, सूर्य नारायण के समान प्रकाश है महाराज उनके मस्तिष्क में ऐसा। क्या तो सूर्य के प्रकाश को देखो, क्या उस ब्राह्मण के मस्तिष्क को देखो, तेज चमकता है, बिजली को मात दे दे ऐसा लगता मानो। वो ब्राह्मण द्वार पे आकर के खड़ा है, उसने मुझे बहुत सी बातें बताई। प्रभु मैं तो दंग रह गया। उसने ये कहा कि आप लोग साथ में पढ़ते थे बचपन में, बचपन के सखा है वो आपके, है ना? मेरे प्रभु किसकी बात कर रहे हो तुम? बोले नाथ मैं ये बताऊं आपको कि उसने ये भी कहा कि जिस गुरुकुल में आप पढ़ते थे, आप उद्यमी थे, वो शांत थे, आपको गुरुजी समझाते रहते, वो भी समझाते रहते, साथ में खेला है आपने, बचपन बिताई एक साथ। अरे किसकी बात कर रहे हो तुम बताओ? बोले मैं क्या बताऊं प्रभु, नाम तो उन्होंने अपना सुदामा बताया, और वो ये भी क्या, ये क्या नाम कहा? अरे क्या कहा तुमने, किस सुदामा जी आए हैं? यानी सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं और तुम अंदर लेके नहीं आए उनको? यानी मेरे मित्र, मेरे बचपन के सखा, अरे मेरा लंगोटिया यार बाहर खड़ा है और आप उनको लेके नहीं आए? भोग पा रहे थे मेरे प्रभु, भोग पाते 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 छलांग लगाई है कन्हैया ने महाराज, पादुकाएं कहीं और है, वस्त्र कहीं और गिर पड़ा जाकर के अंग वस्त्र मेरे प्रभु का, और जितने महामंत्री बैठे, जितने महान महान लोग बैठ रहे थे उस सभा में, सबने देखा कि ये अचानक मेरे प्रभु को क्या हो गया, छलांग लगाई, पहली डोरी, दूसरी डोरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी डोरी पार करी। सुदामा कहाँ है, कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है मेरे सखा? देखते 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 नजर पड़ी उस ब्राह्मण की ओर, तो वो बैठा द्वार पे इंतजार कर रहा था। दौड़ करके छह डोली पार करी और जाकर के जैसे ही उस मित्र को देखा, मेरे बाक्य बिहारी लाल ने गले से लगाया है अपने मित्र सुदामा को। महाराज रो रहे मेरे प्रभु, बार बार रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधिरो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रोते रोते मेरे प्रभु ने एक बार तो सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से ही धो दिया। महाराज प्रेम से बोलो राजराज, धो दिया।
सिंहासन पे बिछाया आपने, सब जानते हैं कथा। सबको आशीर्वाद दे रहे थे श्रीदामा जी, तो इतनी सारी पत्नियां थी महाराज, हाथ ही हार गया उनका, तो उन 16,108 पत्नियों के बदले श्री कृष्ण को बुलाकर के कहा, लाला तुम ही आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको ही इनके बदले आशीर्वाद दे देता हूं। प्रेम से बोलो राधेलाल, मेरे भारत का ऋषि मेरे प्रभु को भी आशीर्वाद दे सकता है। मुख्य बात, आते वक्त कृष्ण रो रहे हैं, श्री रामा जी नहीं रोए। मानो मैं रोऊंगा तो दुनिया ये ना समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया है, रो करके अपनी गरीबी दिखाता, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं। सोने की द्वारिका में एक रात्रि रुक करके 1 ग्राम सोना भी मांगा नहीं श्री रामा जी ने, और एक ग्राम सोना भी नहीं मांगा। क्या करूं मांग के, मेरे मित्र से मैं कुछ मांगूंगा मित्रता कमजोर होगी, उस कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति कम होगी, नहीं मांगना। उन्होंने मांगा नहीं कि कृष्ण की कुछ सामर्थ्य नहीं हो सकी, दे नहीं पाए कुछ कन्हैया, कह ही नहीं पाए क्या चाहिए आपको, जानते थे कुछ भी पूछूंगा, बोले मुझे क्यों चाहिए लाला, कुछ नहीं चाहिए, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 छत्र राज तो दे दिया। जब सब कुछ देने को गए तो माता रुक्मणी ने मानो कह दिया कि सब श्रीदामा जी को दे दोगे तो महाराज जो कथा सुनने आए हैं उनको क्या दोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, जा रहे हैं श्रीदामा जी, आप निकल जाएंगे। बोले बोले अब बस वो भाभी घर पे है, बहुत दिन है गए लाला, तुम्हारे यहाँ पहुंचते तो 1 महीने से भी ज्यादा लग गए, इतनी दूर रहते हो तुम बताओ, अब हम आएंगे उनको लेकर के साथ में आएंगे, देखो अब तो हमें जाना चाहिए। अच्छा ठीक है सुनामा जाइए। न कन्हैया ने कुछ दिया और न श्रीदामा जी ने कुछ मांगा, और आते वक्त तो श्रीदामा जी रो रहे थे, श्री कृष्ण रो रहे थे, मगर तू जाते वक्त महाराज श्रीदामा जी के नेत्रों से अश्रु प्रपात रो रहे हैं खिलखिल करके बार बार, वारे कन्हैया इतनी कृपा, तूने कुछ मुझे दिया नहीं, इससे बड़ी कृपा और तो मुझ पे कर क्या सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गए अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा जहां कुटिया थी वहां तो महल बन गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां कुटिया थी वहां तो अब महल बन गया है, अब महल के द्वारपाल श्री कृष्ण के द्वारपालों की तरह तो थे नहीं जो ज्यादा मर्यादा पूर्वक प्रणाम पाती करे। श्रीदामा जी ने पूछा क्यों, बात ऐसी है कि ये जो आपके राजा हैं, जिनका भी ये महल है, हमारी कुटिया कहाँ गई है अगर महल यहाँ पे खड़ा है तो द्वारपालों ने कहा हमें नहीं पता, हम तो जब आए थे तब तो यहाँ पे महल बना हुआ ही था। तो श्रीदामा जी के मन में आया कि हम कोई गलत नगर में आ गए। बोले कौन सी नगरी है ये, बोले जे तो सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा कि सुदामा तो मेरा ही नाम है। अच्छा तुम्हारी ये महाराज जी का नाम क्या है जरा वो बताओ। बोले महाराज जी का नाम सुदामा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले सुदामा तो मेरा नाम है,
कोई नहीं, एक सेठ जी भी हो सकते, एक पंडित जी भी हो सकते, आश्चर्य की क्या बात। बोले कहाँ गए हैं सुदामा जी? बोले वो तो द्वारिका गए। सुदामा जी ने कहा कि द्वारिका तो मैं ही गया था महाराज। कितने दिन पहले गए? बोले महीना डेढ़ महीना सा हो गया, हम तो जब आए थे तब तो वो थे ही नहीं। तो सही कह रहे हो भैया। अब यदि ये बात है तो आपके महाराज जी की कोई महारानी तो होंगी। बोले हाँ वो है भीतर, कहो तो बुला दे। बोले हाँ बुलाओ बुलाओ, उन्हीं से हमको पता लग जाएगी कि असली सुदामा कौन है। प्रेम से बोलो राधे राधे, क्योंकि पत्नी यदि मेरी होगी तो मुझे पता चल जाएगा। आवाज लगाई, देखो जब धन बरसता है ना किसी के यहां, शरीर भी बढ़ने लग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा सा हो जाता है। और जिसके पास कदाचित ये बहुत आ जाए और शरीर उसका न बढ़े, समझ लेना महाराज गोविंद की कृपा है उस पर पूरी। नहीं तो मैंने तो देखा है ज्यादा से ज्यादा धनाढ्य लोगों को शरीर से कमजोर रहते नहीं महाराज। प्रेम से बोलो। अब महारानी को जब आवाज लगाई गई तो आ रही है महारानी जी। अब महारानी जी और कोई नहीं सज्जनों, नाम सुशीला, सुदामा जी की पत्नी है। जब धन नहीं था तो बेचारी एकदम सूखी काट सी, क्या कहे। और जो सामने से आ रही थी वो तो महाराज भयंकर विशाल एकदम काया जिसकी कहे। सुदामा जी ने उस स्वरूप को देखा, उस महारानी जी को देखा तो कहा कि असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये मेरी पत्नी आ रही है क्या। क्योंकि जिसको मैं छोड़ के गया था वो तो सूखी काट सी लगे, जे तो महाराज कोई भटवृक्षारो है का। प्रेम से बोलो राधे राधे, है भटवृक्ष के समान एकदम काया जिसकी विशाल है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। इनसे पूछ लूंगा, हमारी कुटिया काय जी बता देंगी। महारानी जी प्रणाम करते हैं आपको, हमारा नाम सुदामा है, वो हम द्वारिका चले गए थे अपने मित्र से मिलने, जरा बताओगी हमारी कुटिया कहाँ है? यहीं पे थी लेकिन आपका यहाँ पे महल है, परंतु जरा हमें बता दीजिए, हम गरीब आदमी अपने घर चले जाएंगे। और वो महारानी जी जो खड़ी थी वो तो पत्नी थी, उन्होंने सोचा ये मुझसे ऐसे की बात कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? बोले मतलब? बोले अरे मैं हूं, मैं सुशीला, समझे नहीं क्या? सुदामा जी ने क्या, सुशीला ये कब हुआ? बोले वो आप द्वारिका गए तो श्री कृष्ण ने हम पर कृपा कर दी। तो सुदामा जी ने कहा तुम पर ही कृपा करी, हमारी तो धोती अभी फटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे, तुम पर ही करते महाराज, हम पे तो करते नहीं कभी। सुनो तुमको महलों में रहना था, तुमको धन चाहिए था, तो तुम रहो इस वैभव संपत्ति के साथ, मुझे तो नहीं रहना। जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी रुक जाइए, मेरे बांके बिहारी दौड़े दौड़े आए हैं, गले से लगाया। अरे इसे इसे मेरे तोहफे को समझ करके ही स्वीकार कर लीजिए सुदामा जी। मैं जानता हूं आप तो उस चंदन के समान है जो सांपों के बीच में रह करके भी जहर को अपने ऊपर ठहरने नहीं देगा। मुझे विश्वास है आपकी भक्ति पर, तन से जितना हो सकेगा सेवा करिएगा। ये जो साम्राज्य आपको मैंने दिया है या ये जो महल दिया है, इससे जितना हो सके दान करिएगा, सत्कर्म में लगाइएगा धन को। और मन से तो आप मेरा भजन करते ही हो, निरंतर करिएगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। सुदामा जी ने खूब आशीष दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी कोहिनूर है, अनमोल हीरा। यज्ञ किया, समस्त ब्रजवासी गण आए, राधा रानी भी आई और रुक्मणी आदि रानियों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी जाकर के राधा रानी से मिले।
श्री कृष्ण के पास में जाकर के जब उन्होंने कहा कि हमें भी मिलना है, तो कन्हैया ने कहा कि मिलने तो जा रहे हो, दूध ले जाना, मेरी श्री राधे को दुग्ध अति प्रिय लगता है। तो लेकर के जब जाने लगी रुक्मणी आदि रानी या राधा रानी से कहा कि लीजिए दुग्धपान करिए, राधा रानी ने कहा इच्छा तो नहीं है। तो रुक्मणी ने कहा, कदाचित माता रुक्मणी ने कि इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, आपके कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, मेरे कन्हैया ने भेजा है। लिया महाराज और उस गर्म दूध को गटके ही गटक पी गई हमारी राधा रानी। वापिस आकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान तो थे, परंतु उनके चरणों में सज्जनों छाले पड़ गए। ये प्रभु किसने किया ये कार्य, ये आपके चरणों में छाले पड़ गए, क्या बात है, कैसे जल गया ये? मेरे प्रभु ने कहा गर्म चीज डालोगे तो जलेगा ही। बोले किसने डाला? बोले तुमने ही तो डाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे, खुद ही काम करके आकर के हमसे पूछ रही हो? बोले मैंने कब किया प्रभु? बोले भूल गई, दूध पिलाने लेके गई थी, मेरी श्री राधे ने जब उस दूध का पान किया तो हड़बड़ हड़बड़ में पान किया था, और गरम गरम दूध जो उसके हृदय से होकर के जा रहा था पेट में, तो उसके हृदय में तो मेरे ही चरण विराजते हैं ना महाराज, इसीलिए तो छाले पड़ गए हैं, यही तो भाव है हृदय में। श्री कृष्ण के चरण राधा रानी के हृदय में विराजते हैं, अति प्रिय। अपने पुत्रों को मेरे बांके बिहारी रोज उपदेश देते कि सत्कर्म किया करो, संतों का अपमान मत किया करो, लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं बात को। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी महाराज को 24 गुरुओं का वर्णन किया कि पृथ्वी वायु आकाश अपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपो तो जगरह सिंधो पतंगो मधुक्रेत गज। चौबीस गुरुओं का वर्णन, मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर भक कुमारी शरकृत सर्प और नाभि सुपेशकृत, 24 गुरुओं का वर्णन किया। पुत्रों ने संतों का अपमान किया है, संतों ने श्राप दिया, 99,00,000 यदुवंशी मेरे भगवान के नेत्रों के सामने मर गए महाराज। और मेरे प्रभु ने कहा कि कर्म इनके ऐसे थे, मरना तो था ही नहीं। 3 बार समझाओ अपने बच्चों को, 4 बार समझाओ, नहीं माने तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकते, संसार में उन्हें दूसरा कोई मना भी नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बलराम जी ने श्री कृष्ण से आज्ञा मानी, मानो श्री कृष्ण छोटे भाई तो है मगर पद उनका बड़ा है, नारायण है, प्रभु जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल पधारिए आप। शेष के माध्यम से बलराम जी भी गए। बलराम जी बोलिए, बलराम जी महाराज की जय। भाई थे महाराज, और प्रेम ऐसा था, आपको पता है ये तो भगवान श्री राम ने कभी किसी को ज्यादा डांटा नहीं, परंतु बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया था सबने, चाहे वो भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न लाल हो, कोई हो महाराज। बलराम जी से छोटे थे कन्हैया, परंतु बलराम जी की बातों को मानते थे,
चाहे वो किसी के भी सामने कहे, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु बलराम जी शेष के माध्यम से क्षीर में विराज रहे हैं। अब मेरे श्री कृष्ण उद्धव को अंतिम उपदेश देकर के ये कह रहे हैं कि उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आती है, मैं क्या करूं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। यद्यपि काजा तिर विदुरस्य यादव पते, जाति उसकी उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मेरे भगवान को बजने वाला मेरे भगवान का हो जाता है, इसमें जाति पाति कहां से आई। और उद्धव विदुर मिले तो उनसे कहना कि मैं उनकी याद कर रहा था। बाली को छुप करके मारा था मैंने, शायद लोगों के मन में ऐसा भाव आ सकता है, तो जाते जाते भी उन लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए अपनी उधार चुका रहा हूं मैं। बाली को यदि छुप करके मैंने मारा था तो कोई मुझे भी मारेगा। जाओ वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में लेट गए मेरे प्रभु, और जिसके चरण कोमल हिरण के समान है, बहेलिए ने निशाना साधा हिरण समझ करके, तीर जाकर के सीधा मेरे प्रभु के युगल चरण पे जाकर लगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। जो आया है वो तो जाएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना सही, मेरा भी समय आया है। और लगभग 125 वर्ष लगभग लीला करी मेरे श्री कृष्ण ने, और जिस दिन से पहले ने निशाना साधा चरणों पे जाकर के लगा है वो बाण मेरे प्रभु के, उनके शरीर से एक ज्योति निकली जो सात बार आकाश मंडल में घूम करके श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के समा गई, तब से ब्रह्मा जी ने ये निश्चित कर दिया कि श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षं कृष्णैव हि श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षं कृष्णैव हि भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षं कृष्णैव हि साक्षात गोविंद है, निश्चित कर दिया। राजा परीक्षित प्रेम से बोलो राधे राधे। तुमने मुझसे पहला सवाल क्या पूछा था? बोले पहला सवाल यह था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। पहला सवाल कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। आज अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या तुम मरोगे। तुमने मुझसे पहला प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, तो चलो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम मरोगे।
राजा परीक्षित ने तो कथा अमृत का पान कर रखा था। अमृत में वाणी शुभदेव स्वामी के मुखारविंद से सुनकर के राजा परीक्षित के ज्ञान चक्षु खुल गए। प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर कैसे सकता हूँ? महाराज आपने ये क्या पूछ लिया मुझसे? मैं तो शुद्ध चिन्ह में मुक्त शाश्वत आत्मा हूँ जिसका पति केवल परमात्मा होता है और कुछ नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये शरीर ने जन्म लिया है तो इस शरीर की मृत्यु होगी, इस शरीर को वो तक्षक सर्प डसेगा। मैं तो आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस परीक्षित तुझे इस कथा को सुनाना, तेरे इस उत्तर को सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि सफल हुआ ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान। आज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, तेरे जैसे श्रोता हो तो 7 दिन में क्या 7 मिनट में भी मुक्ति मिल सकती है। प्रेम से बोलो राजा, श्रोता बनो तो राजा परीक्षित के तरह, भोजन आदि त्याग कर केवल कृष्णमय हुए थे राजा परीक्षित। और अंतिम श्लोक के को सब कोई मेरे साथ 4 बार कहेंगे, उससे पहले पूज्य पिताजी आप लोगों से 10 मिनट कुछ संबोधन करेंगे। आइए के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य पिताजी, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में आयोजित इस विशाल सामूहिक पारायण कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत रहा। धर्म रक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते जो भी यहाँ यजमान बने हैं, जिनको भी मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उत्सव यजमान बने, उन सब का हृदय से आभार। सज्जनों देखो, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रमन रीति स्थित इस फोगला आश्रम में, ये केवल आश्रम नहीं है सज्जनों, ये जो व्यास पीठ है जहां ये अवस्थित है, ये तपोभूमि है। क्योंकि गोविंद ने इस भूमि में ही कदाचित लोटपोट लगाई है सज्जनों, रमन रेते स्थित। और कितना बड़ा सौभाग्य है व्यास मंच पर बैठे आदरणीय शिवम विष्णु पाठक जी का, कि उनका उपनयन संस्कार भी इसी पवित्र भूमि में हुआ और ये दोबारा भी इसी पवित्र भूमि में कथा करने आए। और प्रभु ने चाहा तो कितनी बार निरंतर आएंगे, लेकिन स्थान यही निश्चित रहेगा, फोगला आश्रम और श्रीधाम वृंदावन। क्योंकि फोगला आश्रम जो ये श्रीधाम वृंदावन है, मेरे लिए और चिरंजीव शिवम के लिए कोई आश्रम नहीं है सज्जनों, ये हमारे लिए तो तपोभूमि ही है कदाचित। यहाँ के पदाधिकारियों, सभी पदाधिकारियों से लेकर के एक छोटा से छोटा जो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति भी है, वो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि वो निरंतर सेवा देते रहे हैं सज्जनों। श्रीधाम वृंदावन में तो गोविंद की कथा आप सबों ने सुनी, पुरुषोत्तम मास में सुनी, अधिक मास में सुनी, इससे बड़ा सौभाग्य आप सबों का भी नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक चरण श्लोक का भी अगर कोई अध्ययन कर ले, कोई पाठ कर ले, तो जीवन उसका मुक्त हो जाता। एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सुन ले तो आपका जीवन दिव्य बन जाता है। एक पिता होने के नाते अगर अधिक मास में किसी पुत्र ने कथा करी हो और किसी पिता ने सुनी हो तो सबों का आभार। अगर आप सभी यजमानों की व्यवस्था में गर्मी के कारण या अन्यान्य किसी कारण या त्रुटिवश कोई त्रुटि रह गई है तो उसका क्षमा प्रार्थी हूं। और भविष्य में जब जब
आयोजन रहेंगे तीर्थों के, ये उम्मीद करते हैं कि आप सब व्यासपीठ को और आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम लेते हैं। भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान सभी लोग मेरे साथ चार बार बड़े भाव से कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, स्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, स्वं नमामि हरिं परम, स्वं नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, स्वं नमामि हरिं परम, स्वं नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और यजमान से मैं निवेदन करूंगा कि आकर के सुखदेव स्वामी का पूजन करें। प्रभु प्रस्थान कर रहे हैं आप, और आप लोग मेरे साथ मिलकर के बड़े भाव से श्री राधा रानी को प्रणाम करो। आओ प्रेम से बोलो राधा राधा। श्री राधा मुरी स्वामिनी, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन धाम को बोलिए मेली सरकार की। मिलकर के बड़े भाव से देखो कथा पूरी हुई। सुखदेव स्वामी बस जाने वाले हैं। आओ वृंदावन में बैठे बैठे बड़े भाव से राधा रानी को प्रणाम करते हैं।
मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधारानी लागे महारानी लागे मन करो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे से भरी जोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो चमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे सुंदर महारानी लागे Oh,
आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वाणी से अगर कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो अपना पुत्र, अपने छोटा भाई, अपना छोटा सखा समझ करके माफ कर देना। पुनः आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज को वंदन करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए और बाकी बिहारी लाल के चरणों में एक और सेवा भाव का विश्राम हुआ है आज। सज्जनों, 21 जुलाई से 27 जुलाई हमारी कथा हरि बाबा बांध, जो कदाचित आप सभी लोग परिचित हैं, वहां पे हरि बाबा जी वास करते हैं अलीगढ़ के पास में। पिछले वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पे वो अद्भुत महोत्सव का आनंद कदाचित हम लोगों ने लिया। इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में हरि बाबा बांध पे हमारी कथा 21 से 27 जुलाई हो रही है। संभव हो तो आप सभी लोग पधारे। आप लोगों के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना और हमारे बीच उपस्थित प्रभु की रसमय कथा में मधुरता की सृष्टि जिन्होंने 7 दिनों तक बड़े भाव से करी है, एक बार जोरदार ताली इन लोगों के लिए बजा करके इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत प्रणाम आपके चरणों में, जिन्होंने कदाचित इस व्यक्ति का खूब साथ दिया है और आशा करते हैं कि और साथ बना रहे हम लोगों का। पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए आइए, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बांके बिहारी की बड़ी पावन आरती वृंदावन धाम में प्रेम से हम लोग करेंगे जोरदार जयकारा। श्री बांके बिहारी लाल महारत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधाख्यत पुष्पाणि समर्पयामि। शिवा के बिहारी तेरी आरती गा, ओ
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ॐ जत्नेन जत्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे